हेलो हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये स्कीम जो था, ये बोर बरी के अकॉर्डिंग दिया गया था। किसके थ्रू दिया था? बोर बरी के अकॉर्डिंग दिया गया था। और इसमें जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसमें ये बोला जा रहा है, जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो हम 2n² के अकॉर्डिंग ही इन शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। आगे है इसमें हमारा, जहाँ यहाँ पे हमारा एन क्या है, नंबर ऑफ शेल है। फोर्थ थर्ड पॉइंट है, आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर द 8 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है, जो कि इसमें जो हमारा बाहर वाला जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जब आउटर मोस्ट शेल होगा तो वो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। और उसका जो नेक्स्ट वाला शेल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, जो कि कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। अगला हमारा चार्ट इसमें है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा ये जो चार्ट मैंने आपको दिया है, एक यहाँ पे कॉलम बना के, ये 2n² रूल के अकॉर्डिंग बताया है मैंने। और इसमें आपको फर्स्ट दे रखा है सिंबल ऑफ शेल। शेल के सिंबल हमने क्या किया है, के एल एम और एन शेल यूज़ किया है। फिर दूसरा हमारा कॉलम है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल क्या है हमारा, कितने शेल नंबर हैं, 1 2 3 4 है। ओके, आगे हमारा इसमें है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो हम 2n² के अकॉर्डिंग बोलेंगे। 2 × 1² होगा और हम यहाँ पे 2n² के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर ऑफ सेल निकालेंगे। तो फर्स्ट में अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। और सेकंड में 2 रखेंगे n की जगह तो 2 का स्क्वायर, 2 2 4, और 4 × 2 क्या हो जाएगा, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, और थर्ड में क्या होगा, 3 रख देंगे n की जगह तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 3 9, 9 2 18। ऐसे ही 4 में करेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही हमने इस शेल को डिनोट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में कैसे होता है, उसके लिए हमने एक एटॉमिक नंबर 12 लिया है, जिसका एटॉमिक मास 24 है। तो हमारा शेल सिंबल क्या होता है, के एल एम। तो के में हमेशा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो एल शेल में चले जाएंगे, और बाकी एम में फिर ऐसे ही एन में जब ये अपने ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पहले शेल में आ गया अकॉर्डिंग टू एटोमिक नंबर 12 2, दूसरे में 8, एंड जो बच गए नंबर वो लास्ट वाले शेल में आ गए 2। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद एटॉमिक नंबर 12 हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।